एवरी वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर चलिए आज हम आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, अगर ना की हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक एंड कमेंट मत करना भूलिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे टाइम को न लॉस करते हुए। जैसा कि फ्रेंड देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मई 2019 को कौन सा प्रथम अपाचे हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। तो फ्रेंड्स, बोइंग AH-64EI को वायुसेना को सौंपा गया था। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 मई 2019 को कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? न्यायमूर्ति अभय श्रीवास्तव निवास जी ने, न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास जी ने हमारे मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण की थी। ओके फ्रेंड, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 10 मई 2019 तक गोवा में अरब सागर तट पर किन दो देशों के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण संपन्न हुआ था? तो भारत और फ्रांस में, भारत और फ्रांस में 10 मई 2019 तक गोवा और अरब सागर तट पर दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास का वरुण संपन्न किया गया था। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11 मई 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 मई 2019 को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाते हैं। ओके, 11 मई 2019 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस विषय के साथ मनाया जाता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट वर्ल्ड, प्रोडक्ट वर्ल्ड फ्रेंड्स बिना सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए हम 11 मई 2019 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 12 मई 2019 को किस प्रसिद्ध विरहा गायक का निधन हो गया था? हीरालाल यादव, हीरालाल यादव जी का 12 मई 2019 को प्रसिद्ध विरहा गायक जी का निधन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या है, चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मई 2019 को इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मुंबई इंडियन ने चेन्नई सुपर किंग्स से हराकर ये खिताब को जीता था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंबे नाइजीरिया जी को, सॉरी 12 मई 2019 को महासभा का नया अध्यक्ष चुना गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर क्या कह रहा है, 13 मई 2019 को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेंटल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर है इसका टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स जी को 13 मई 2019 को अमेरिका के नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेंटल ऑफ फ्रीडम को सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि 13 मई 2019 को महाराष्ट्र के नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अजय मेहता, अजय मेहता जी को 13 मई 2019 को महाराष्ट्र के नया मुख्य सचिव चुना गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 मई 2019 को निर्भया बलात्कार मामले में जांच करने वाले किस आईपीएस अधिकारी को मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 मिला? तो इसका आंसर है छाया शर्मा जी, छाया शर्मा जी को इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 का मिला था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 12 नंबर, 13 मई 2019 को विश्व की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता था? तो मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को हराकर इस प्रीमियर को जीता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 मई 2019 को प्रसिद्ध उत्सव जीसूर पूरम कहां आरंभ हुआ? केरल में, केरल में आरंभ हुआ था 13 मई 2019 को
जिसूर पूरम ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है 14 मई 2019 को मैड्रिड ओपन ट्रेनिस में पुरुष एवं महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था तो नोवाक जोकोविच किंकी बर्तस जी ने इसे 14 मई 2019 मैड्रिड ओपन टेनिस में पुरुष एवं महिला एकल वर्ग का खिताब जीता था ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है 14 मई 2019 को फार्मूला वन स्पेनिश ग्रां प्री का खिताब किसने जीता था तो इसका आंसर है फ्रेंड्स लुइस हैमिल्टन ने वाल्टेरी बोटास को हराकर इस 14 मई 2019 का फार्मूला वन स्पेनिश ग्रां प्री का खिताब जीता था ओके चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 16 नंबर 14 मई 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था तो न्यायमूर्ति डी एन पटेल जी को 14 मई 2019 का दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था ओके फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है 14 मई 2019 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा न्यायमूर्ति अखिल कुरासी जी को 14 मई 2019 का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना गया था ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं 14 मई 2019 को विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक कहां संपन्न हुई तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में 14 मई 2019 को विकासशील देशों को WTO मंत्री स्तरीय जो हुई वो नई दिल्ली में संपन्न हुई ओके फ्रेंड्स 19 नंबर क्या क्वेश्चन है चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 14 मई 2019 को ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी जी एस लक्ष्मी जो थी वो आईसीसी मैच रेफरी पैनल की शामिल होने वाली पहली महिला थी ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है चलिए हम देख लेते हैं हमारा 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है 15 मई 2019 का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया था तो अभ्यास ड्रोन का 15 मई 2019 को विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया था ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आगे देख लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपका 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स और 20 जो क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आपको दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और फिर से आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए आपको मैं फिर से क्वेश्चन को इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं या अपनी कॉपी में जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या फिर आपको जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में बार बार पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को अगर आप नोट कर रहे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फिर हम आपको मिलते हैं और अगले एपिसोड में और बहुत सारे आपके लिए इसी तरीके से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा तो अगर आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने का मौका मिलेगा और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा ओके फ्रेंड्स थैंक यू और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे